अरे मोनिका, ये साड़ी ना पहन के निकला कर। क्यों तेरी पत्नी की चुरा के जाती हूँ? चुप रह। हंसो मत, और भी पीछे आ रही है, एक ना एक को तो पटा ही लूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम लड़कियों को इतना छेड़ते हो, इतना ताड़ते हो, अब तुम शादीशुदा हो। ऐसा कहाँ लिखा है कि उपवास हो तो खाने का मेन्यू भी नहीं देख सकते? गड़बड़ 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 हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। आप 420.007 साबुदाना एफएम से बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप? जी? असल में मुझे एक पर्स मिला है, उसके अंदर 25,000 रुपए कैश हैं और एक iPhone X है और एक पल्लवी नाम की लड़की का आधार कार्ड है। ओ, आप कितने ईमानदार हैं। आप वापस करना चाहते हैं वो पर्स? नहीं, वापिस करने का कोई सीन नहीं। असल में आप पल्लवी जी के लिए एक सैड सॉन्ग चला दीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या गाना है। गुड मॉर्निंग बच्चों। मस्त है। मैं मारा क्यों? गोने सुनना आता है क्या यहाँ? सवाल का जवाब दे मेरे। आप पूछो। तेरे पास 10 आम है और उनमें से कोई दो ले ले तो कितने बचे? 10 के 10। अरे तू समझा नहीं, तेरे पास 10 आम है और दो कोई छीन लेता है तो कितने बचे? एक लाश और 10 आम। ठीक कहा तूने, ठीक कहा। यार तू इतना सैड क्यों रहता है? क्योंकि जिंदगी में कुछ नहीं रखा। तुझे पता है एक जानवर है, चाहे कुछ भी बीत रही हो वो हमेशा खुश रहता है। सच में? क्या? हाँ, हर हाल में खुश रहता है वो। मैं नहीं मानता। अरे सच में। माँ कसम, बताना कौन सा सांप? वो कैसे? क्योंकि उसके पास फन है। हाँ, उस मरीज को लिटा के रखो, मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल, आके उसका मिलके इलाज करेंगे। अच्छा सुनो यार, लेट हो रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलो क्या है। तुम डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, स्कूल, स्ट्रगल बहुत जरूरी है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम डॉक्टर कभी नहीं बन सकते। यार मैं तभी तो पूछ रही हूँ, तुम डॉक्टर कैसे बने? क्या मतलब है तेरा? भूसा भरा है तेरे दिमाग में? हाँ, उस मरीज को लिटा के रखो, मैं आधे घंटे तक पहुंच रहा हूँ हॉस्पिटल, आके उसका मिलके इलाज करेंगे। अच्छा सुनो यार, लेट हो रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोलो क्या है। तुम डॉक्टर कैसे बने? डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, स्कूल, स्ट्रगल बहुत जरूरी है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो तुम डॉक्टर कभी नहीं बन सकते। यार मैं तभी तो पूछ रही हूँ, तुम डॉक्टर कैसे बने? क्या मतलब है तेरा? भूसा भरा है तेरे दिमाग में? क्या सोच रही है? यार एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बात? अरे शादी में दूल्हा के साथ बराती क्यों आते हैं? तेरे बड़ों ने सिखाया नहीं, किसी के सुख में साथ जाओ या ना जाओ, दुख में जरूर जाना चाहिए। क्या मतलब सुख दुख? तू लड़कियों की बेइज्जती करके गया? आ रही हूँ मैं भी। अब ये चुड़ैल क्यों फोन कर रही है? हेलो, ऑफिस पहुंच गए या लड़कियां ताड़ रहे हो? लड़कियां क्या ताड़ूंगा, ऑफिस आते टाइम मेरी गाड़ी ठुक गई, पूरे पैर वैर सब टूट गए, टेढ़ा मेढ़ा हो गया मैं तो। अब एम्बुलेंस आएगी तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, टिफिन टेढ़ा मत करना, दाल गिर जाएगी। वैसे भी तुम्हें तो बहाना चाहिए मेरे हाथ का खाना फेंकने का। उठा ले ऊपर वाले। हेलो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बैठी हुई थी। पता, तुमसे शादी करके एक बहुत बड़ा फायदा हुआ मेरा। आप भी ना, क्या फायदा? अपने सारे गुनाहों की सजा यहीं दुनिया में मिल गई। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं तो यही बड़बड़ा रहा था। अच्छा तुम बताओ, जब तुम्हें मेरी याद आती है तो क्या करती हो? तुम्हारा फोटो देख लेती हूँ। अच्छा, फोटो में आवाज तो नहीं आती, जब आवाज सुननी होती है तो क्या करती हो? सिंपल, कुत्ते को लात मार देती हूँ। ये इतनी देर से फोन पे कर क्या रहा है? कुछ बोल तो रहा नहीं, फालतू में फोन लगा के खड़ा हुआ है। जाके पूछती हूँ। भैया आपने 29 मिनट से ना फोन लगा रखा है लेकिन कुछ बोल तो रहे नहीं हो। पत्नी का फोन है, बोलने का कुछ मौका ही कहाँ देती है। भैया मैं समझ सकती हूँ। बेटा गुलकंद, तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, उसका जवाब देना।
हाँ हाँ जल्दी जल्दी पूछ लो, मेरे पास टाइम नहीं है, और भी बहुत काम है जिंदगी में, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी मैंने। हाँ लड़कियां तारता रहता है बस, और क्या काम है तुझे? चलो अब पूछो जो पूछना। एक तुझे मुहावरा बताती हूँ, उसका मतलब बताना, खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी रोज छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाया करती थी, एक दिन उसके पापा ने देख लिया और घर से निकाल दिया, अब खुशी का कोई ठिकाना ना रहा, बेचारी इधर उधर भटकती है। तू तो गया बेटा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, 5 मिनट पहले मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये औरत मेरे पीछे पत्थर लेकर पड़ी है। अच्छा सुनो, तुम रवि की वाइफ के मरने में नहीं गए? उसकी तीसरी वाइफ भी मर गई बेचारे की। किस मुंह से जाऊं, वो मुझे 3 बार बुला चुका है और तुम उसे एक भी बार बुलाने का मौका नहीं देती, मर जाओ। ओहो नमस्ते, ये क्या कर रही हो? मंत्र पढ़ रही हूँ।